जमात की नमाज में मिलते वक्त एक ऐसी गलती इंसान से सरजद हो जाती है कि जिसकी वजह से उसकी नमाज नहीं होती, वो नमाज उसको लौटाना फ़र्ज़ है उस पर। अब वो गलती क्या है? अक्सर जब इमाम रुकू में होता है, अक्सर लोग आते हैं भागते हुए, ये भागते हुए आना नाजायज़ है, भागते हुए नहीं आना चाहिए, इसमें मस्जिद की बेअदबी भी होती है और ये चीज़ नापसंदीदा भी है, और इससे जो नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं उनके दिल में एक खटका और एक वसवसा पैदा हो जाता है कि क्या मसला हुआ है, लिहाजा आराम से नमाज की तरफ आना चाहिए। अब वो आके रुकू में जब इमाम से मिलते हैं, जमात की नमाज के साथ जब मिलते हैं, तो रुकू में मिलते वक्त हाथ उठाकर बांधते नहीं हैं, सीधा रुकू में चले जाते हैं, हालांकि हाथ उठाकर बांधना ये फ़र्ज़ है, फिर उसके बाद बंदा रुकू में चले जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ बांधते ही फ़ौरन रुकू में चले जाते हैं, ये भी गलत है, इससे भी नमाज नहीं होती, क्योंकि खड़ा होना, क़याम करना ये अलग फ़र्ज़ है, रुकू करना ये अलग फ़र्ज़ है, लिहाजा इस गलती से बचने की कोशिश करें।